जेएमएम ने दो और सीटों पर उतारे उम्मीदवार। कांग्रेस के हाथ से फिसली है सिंहभूम सीट। राजमहल लोकसभा सीट से विजय हाजदा को टिकट और सिंहभूम सीट से जोबा मांझी को प्रत्याशी बनाया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दो और सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। राजमहल सीट से विजय हाजदा और सिंहभूम सीट से जोबा मांझी को टिकट दिया गया है। सिंहभूम लोकसभा सीट से प्रत्याशी को लेकर के इंडिया गठबंधन में कयासों पर विराम लग गया है और जेएमएम ने राज्य की पूर्व मंत्री को उम्मीदवार बनाया है। सिंहभूम कांग्रेस की पारंपरिक सीट है, जहां पिछली बार गीता कोड़ा ने कांग्रेस का खाता खोला था। गीता कोड़ा ने झारखंड के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय लक्ष्मण गेलुआ को हराया था और हाल ही में गीता कोड़ा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और इसके बाद से ये कयास लग रहे थे कि ये सीट जेएमएम को ही मिलेगी और जोबा मांझी का मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार गीता कोड़ा से होगा। तो वहीं विजय हाजदा बीजेपी के कैंडिडेट ताला मराडी को चुनौती देंगे और इससे पहले जेएमएम दो सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सूरज जी, के प्रत्याशियों की लिस्ट लगातार जारी की जा रही है, ऐसे में जेएमएम की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, आखिर किन चीजों का ध्यान में रखते हुए ऐलान किया जा रहा है? देखिए, दो सीटों पर जिस तरह से सस्पेंस देखे जा रहे थे, खासकर राजमहल और सिंहभूम की अगर बात करें, तो आपने देखा कि दो सीटों को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। जेएमएम ने उससे पहले दो सीटों के नामों का ऐलान किया, दुमका और गिरिडीह। उसके बाद कल आपने देखा कि किस तरह से अचानक ये बातें सामने आते कि पार्टी ने दो सीटों पर नामों का अनाउंस कर दिया। अगर दो सीटों की अगर बात करें तो सिंहभूम सीट काफी हॉट सीट मानी जा रही है आज की तारीख में, क्योंकि एक तरफ गीता कोड़ा जो भाजपा के कैंडिडेट है, तो दूसरी तरफ अब जोबा मांझी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दाव खेला है। जोबा मांझी भी एक कद्दावर नेता रही है पार्टी की और कई बार वो मंत्री भी रह चुके हैं झारखंड सरकार में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफी फाउंडर मेंबर ये मानी जाती हैं और एक मजबूत दावेदार, प्रबल दावेदार के रूप में जोबा मांझी को जाना जाता है। लेकिन अब जोबा मांझी पर भी जो स्थितियां थी वो अब क्लियर हो गई है। अब जोबा मांझी और गीता कोड़ा के बीच में सीधी टक्कर सिंहभूम सीट पर देखी जाएगी। तो दूसरी ओर राजमहल सीट को भी लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि सिटिंग सांसद का नाम काफी पहले से ये चल रही थी, लेकिन इस बीच लोविन होमरम जो बोरियो की विधायक है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता, वो भी बागी रुख लगातार उनके देखने को मिल रहे थे। उनका ये कहना था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमें सिंहभूम, माफ कीजिएगा, राजमहल से हमें टिकट दे, लेकिन इसी मामले को लेकर काफी उलझन थी। लेकिन अब वो उलझन क्लियर हो गई है। अब सिटिंग सांसद विजय हाजदा ही साहेबगंज यानी मुकाबला यहाँ पर खड़ा हो गया है। विपक्ष भी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और ऐसे में शायद यही वजह है कि बहुत ही कहें स्पेशल अटेंशन के साथ ही बहुत ध्यान में रखते हुए सीटों का ऐलान किया जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सूरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और